मध्य प्रदेश के बैतूल में जिले भर की आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 1.5 माह से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बारिश में भीगते हुए रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए आशा उषा संघ की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज हम आशा उषा संघ की बहनें 66 रुपये रोज से कार्य कर रही हैं, जिससे हमारी गुजर बसर नहीं हो रही है। हम लोगों की प्रदेश भर में 60,000 कार्यकर्ता हैं, जो 10 लाख वोटरों को प्रभावित करेंगी। महिला संगठन से ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मणी पवार, मैं आज बैतूल जिले में महारैली का हम लोग ने आयोजन किया है। आज हमारा बैतूल जिला पिछले 2 वर्ष से मलेरिया मुक्त हुआ है, तो हम आशाओं की बदौलत हुआ है। हमारा हम लोगों को अवार्ड मिला है हमारे CHC PHC को और हमारे बैतूल जिले में हमारे अधिकारियों की को कि हमारा बैतूल जिला मलेरिया मुक्त हुआ है। हमारे विगत 2 सालों से कोई मलेरिया पेशेंट नहीं मिल रहा, तो किस वजह से? हम आशाओं की वजह से। आपने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे जब बैतूल आए थे मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी ने आपसे क्या कहा था? बहुत सम्मानजनक हमारा वेतन लिया, हमारा ज्ञापन लिया, हमें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी तुम्हारी मांग पूरी होगी, लेकिन अभी तक कोई रीजन नहीं निकला है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।